हेलो दोस्तों, हम आ गए हैं राजस्थान पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ आप देख सकते हो राजस्थान पुलिस के महानिरीक्षक पुलिस के साइन हो रखे। हम देखते हैं पूरा पेपर है। इसमें आवेदन प्रक्रिया के लिए परीक्षा शुल्क देखते हैं। तो परीक्षा शुल्क में सामान्य कैटेगरी है उसके लिए 400, और जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 350, और OBC और सबके लिए 350। लिखित परीक्षा, इसमें SSO ID बनाकर फिर फॉर्म भरना होगा। ये जिलेवार भर्ती दी रखी है। अभी देखना है कि हमें कहाँ से बन रहा आरक्षण। आरक्षण देखना है, महिलाओं को 30% है। भूतपूर्व सैनिकों को भी आरक्षण दिए गए 12.5%। अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण। वेतनमान और पेंशन, वेतनमान देख सकते हो आप 14,600 सातवें वेतन के अनुसार। भर्ती हेतु पात्रता एवं योग्यता छूट। सामान्य आय, न्यूनतम आयु इतनी होनी चाहिए, वह चाहिए कि वह 1/1/2002 देख सकते हो यहाँ पर, इससे पहले जन्म लिया हो उसने। शारीरिक मापदंड में 168 सेंटीमीटर तो होना चाहिए उसकी ऊंचाई, और सीना 81 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। इसमें लिखित परीक्षा हो गई 75 नंबर की, तो और दक्षता परीक्षा 15 नंबर की। दक्षता लागू नहीं है इनमें। और 10 नंबर के NCC विशेष योग्यता हो तो उसके 10 नंबर। परीक्षा विषय आएंगे इसमें कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, राजस्थान का लाइसेंस करती। 60 नंबर की तो आएंगी कंप्यूटर, तार्किक योग्यता, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान सामयिक 35 नंबर की। 10 नंबर की हो गई इसमें सारी दक्षता देख चुके हैं। 5 किलोमीटर की दौड़ है, 25 मिनट का टाइम है। और इसमें कोई खास बात नहीं है। जिलेवार देखते हैं कौन से जिले में कितनी पोस्ट है। आप इसको
रोक रोक कर देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, आप देखो इसको रोक रोक के कौन से जिले में कितनी है। ये थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ यहाँ से काम की, तो ये देखते हो आप कौन से जिले में कितनी वैकेंसी है, की कितनी है, ओबीसी कितनी है, एसटी की, एससी कितनी। सो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो एंड इस वीडियो को आगे भी शेयर करो।